जिला कैमूर स्थित शिरसी गांव के बगल में नहर पर 40 वर्षों से पुल बांधा हुआ है, जिस पुल से 50 गांव के लोगों ने जिला ब्लॉक जाते आते हैं और 5 साल से वो पुल जर्जर हो गया है। अभी तो वर्तमान में ये जो पुल टूटी हुई दिख रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसे सैकड़ों गांव का जो संपर्क टूटा हुआ है, जो मुख्यालय को जोड़ता है, लेकिन आज टूटने की वजह से लोग 10 किलो के जगह 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग जाते हैं मुख्यालय को। ये एक बार 5 साल पहले भी टूटा था, लेकिन रिपेयरिंग करके लोग चला रहे थे, और अभी फिलहाल एक सप्ताह पहले टूट गया। टूट जाने से क्या परेशानी होती है? परेशानी यही तो है, साइकिल के सिवा कुछ अभी जा नहीं पा रहा है, देख रही है सिर्फ साइकिल जा रहा है, पैदल लोग जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के लापरवाही के कारण उसका 5 साल से नया निर्माण नहीं किया जा रहा है। विधायक किशोर जी से भी इस पर वार्ता हुई है, उनको कहा गया तो उसको बनवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था यहाँ की जनता को, मैं बनवाऊंगा, क्योंकि अभी तक कोई विचार नहीं इस पर किया गया। वर्तमान में जिला पार्षद से भी इस बात को कहा गया, जिला पार्षद ने भी कहा कि मैंने जिला पार्षद में इस बात को उठाया हूँ, ये योजनाएँ में चयन हो गया है, यह पुल बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये हम लोगों को कुछ पता नहीं है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि प्रखंड चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94 31 81 80 7 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि शिरसी गांव में पुल का निर्माण कराने में मेरी मदद करें। मैं ममता देवी, राजपुर, जिला कैमूर, राज्य बिहार, इंडियाउनहर्ड के लिए।